आज कोइलवर पुल के उद्घाटन में बीजेपी ने बड़ा खेल किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही उसमें जगह नहीं मिली है। जेडीयू के किसी भी विधायक का, सांसद का, किसी भी नेता का नाम कार्ड में नहीं है और किसी भी पोस्टर में किसी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री उनका कहीं नाम नहीं है और न तस्वीर है। बीजेपी से हम जानना चाहते हैं कि उनके नेता एनडीए के बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं या नहीं हैं, क्योंकि कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह का जो ताना बाना बुना गया है उसमें तो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी ने बेदखल कर दिया है। ये बड़े खेल की तैयारी में है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं होगी। अब तो जेडीयू को सोचना चाहिए कि किस तरह से अपमान किया है, इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन पूरब जा रहा है कोइलवर की ओर, दूसरा इंजन आज पता चला आदरणीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं नालंदा कल्याण बिघा, तो ये दोनों इंजन आपस में ही टकरा गई है। अब ये सरकार में दोनों दल जिस तरह से घमासान दोनों में मचा है, अभी विश्वरैया भवन का आग ठंडा भी नहीं हुआ था उससे ज़्यादा बड़ा आग सरकार के सहयोगी दलों के बीच जेडीयू बीजेपी में लग गई है। अब बस इंतजार है उस दिन का जिस दिन ये सरकार जाएगी।